नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज पीएम मोदी का नेपाल दौरा, माया देवी मंदिर में करेंगे दर्शन, ड्रैगन के बनाए एयरपोर्ट पर नहीं उतरेंगे। नागपुर जेल में कैदी की मौत, परिवार ने जान से मारने का लगाया आरोप, जेल अधिकारी नहीं दे पाए संतोषजनक जवाब। और प्रतिस्पर्धा के दौर में युवाओं का कड़ा संघर्ष, बिस्कुट के आटे से बनी हुई कप में बेचता है यह युवक चाय। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। पीएम बुद्ध की जन्मस्थली जाएंगे और नेपाल के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा चीन के लिए कड़ा संदेश भी माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी का विमान नेपाल में चीन की मदद से बनाए गए एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा। पीएम मोदी का विमान दिल्ली से उड़ान भरने के बाद पहले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेगा। कुशीनगर से पीएम मोदी MI-17 हेलीकॉप्टर से सीधे बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाएंगे। पीएम मोदी लुम्बिनी पहुंचने के बाद वो पहले माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र का भूमि पूजन भी करेंगे। 6 घंटे के नेपाल दौरे के दौरान दोनों देशों में द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी चीन की ओर से बनाए गए हवाई अड्डे को बायपास करेंगे और सीधे लुम्बिनी के लिए उड़ान भरेंगे, जहाँ उनके आगमन के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर एक हेलीपैड का निर्माण किया गया है। इसे चीन के लिए एक जानबूझकर ठुकराने के रूप में देखा जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में कई समझौते हो सकते हैं। साथ ही जल विद्युत विकास, साझेदारी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा है। दूसरे कार्यकाल में पहली बार पीएम मोदी मिशन नेपाल पर जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों की दोस्ती के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। वही बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का ये दौरा चीन की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए हमले के बाद सख्त कदम उठाते हुए उनके घरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करा दिए और मामले की SIT जांच के लिए आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर उनके घरों की सुरक्षा चाक चौबंद करने के आदेश दिए है। ये आदेश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए। उन्होंने कहा कि घाटी में अशांति फैलाने के इरादे से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। इसी के साथ ही उपराज्यपाल ने उस मामले के भी जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दरअसल कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। इतवारी सिटी पोस्ट ऑफिस के सामने धारस्कर गली की 15 से 20 दुकानों में आग लग गई। हालांकि रविवार होने से कुल कितनी दुकानें आग की चपेट में आई इसका पता नहीं चल सका। यह घटना रात 7:45 बजे हुई। दमकल अधिकारियों के अनुसार दाऊ मेहता की 3 मंजिला इमारत में करीब 2 दर्जन दुकानें हैं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लोकेश धापुड़कर की प्रियदर्शनी इमिटेशन ज्वेलरी एंड प्लास्टिंग अप्लायंसेस में आग लगने की सूचना मिलने पर गंजीपेट से दमकल गाड़ी पहुंची, लेकिन आग भीषण होने से गंजीपेट, लकड़गंज और सुगत नगर से भी दमकल गाड़ियां बुलाई गई। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन अधिकारी AV गोड़े के अनुसार आग का कारण पता नहीं चल सका है। इस कॉम्प्लेक्स में काफी दुकानें हैं, किसी की 2 और किसी की 3 दुकानें होने से असल कितनी दुकानें आग की चपेट में आई यह फिलहाल कहा नहीं जा सकता। खबरों के सिलसिले में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हत्या के आरोपी की जेल में ही मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने पिटाई कर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। इससे चर्चा में रहने वाले जेल अधिकारियों के माथे पर बल पड़ गया है। मृतक नंदनवन निवासी 28 वर्षीय आकाश ताराचंद गौंड है। आकाश ने अक्टूबर 2021 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद से वह जेल में था। शनिवार की दोपहर उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सीने में दर्द होने पर उसे जेल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना का पता चलने के बाद आकाश के परिजन मेडिकल पहुंचे। आकाश के परिजनों ने जेल में पिटाई से आकाश की मौत होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शरीर पर चोट के निशान थे। हफ्ते भर पहले आकाश के पिता बेटे से मिलने के लिए जेल गए थे। उस वक्त आकाश ने जान का खतरा बताते हुए जेल से मुक्त कराने की याचना की थी। चर्चा है कि आकाश का जेल के प्रतिद्वंदी अपराधियों से विवाद चल रहा था। आकाश के प्रतिद्वंदी से मारपीट भी हुई थी। इस प्रकरण में सबक सिखाने के लिए आकाश की पिटाई की गई है। कुछ समय से नागपुर जेल बेहद चर्चा में है। गत दिनों अपराधी शेखू के अंडा सेल से मोबाइल बरामद किया गया। शेखू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस अंडा सेल में मोबाइल मिलना जेल के सुरक्षा प्रबंध की धज्जियां उड़े जाने के संकेत है। पुलिस के पूछने पर जेल अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस प्रकरण में सिम कार्ड गायब किए जाना बताया जा रहा है। डिमांड किया था उसने मेरे बच्चे के साथ में। अब वो तो बॉडी में उसके जितनी मार है उस पे से पता चल जाएगा क्या क्या मार है। मेरे लड़के को चारों तरफ से मारा गया है, रोज टॉर्चर कर करके मारा है। एक दिन में मारा नहीं है, वो रोज मारा है। और मैं तो अब सोमवार को मिलने जाता तब पता चलता। सोमवार को मैंने उसकी बेल्ट भी डाल रहा था, मैं वकील ने सब तैयार करके रखा था। पहले भी मेरे लड़के ने कोई गुनाह नहीं किया, बेमतलब मेरे लड़के को फंसाया था और फंसाने के बाद में अभी मेरे लड़के को ख़त्म कर दिया। जेल में जेलर ने ख़त्म कर दिया, पुलिस वालों ने ख़त्म कर दिया। तीन एजेंसी अवेलेबल है, पुलिस है, जुडिशरी है और कलेक्टर ऑफिस का भी आदमी। वीडियोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी आपका पोस्टमार्टम पूरा वीडियोग्राफ होगा। जी ठीक है, अगर आपको लग रहा है उसमें कि पोस्टमार्टम में कुछ कोई मैनेज कर रहा है, को आपको ये शब्द दिए जा रहे हैं कि कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। जी, पोस्टमार्टम में जैसा निकलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है जी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम शांत बसिए, एकदम शांत बैठिए। पोस्टमार्टम में जैसा निकल के आएगा, अभी पोस्टमार्टम जैसा आपकी प्रेजेंस में हो रहा है जी, ठीक है जी, जैसा पोस्टमार्टम में निकल के आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें कोई इंजरी आती है या कुछ आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जी। ठीक है, आप आराम से शांत बैठिए, अभी पास्ट में क्या हुआ वो आप यहाँ पे मत कहिए। और जो चार लोग वहाँ पे उनको भी मारा है इसके साथ में, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी उनकी, उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना सर। उसको उनको भी बहुत मारा है सर। नहीं, सबको मारा सर। चारों लड़के हैं वहाँ पे जख्मी हालत में।
नहीं पर बूढ़े तुम क्या ये चार को रू सकते सर ऐसा का सर नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं हम छे जेल में नहीं है अंडर नहीं है हमारे अंडर नहीं है मैं अभी आया हूँ अभी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या उनके एलिगेशन है हम सारा एलिगेशन देख के फिर उसके बाद ही कुछ जवाब देंगे ठीक है जरीबटका की इटारसी पुलिया के पास युवक की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई। रविवार दोपहर शव मिलने पर वारदात का पता चला। मृतक 22 वर्षीय अमन अविनाश नागदेवते है। पुलिस ने 3-4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इटारसी पुलिया के पास रविवार को एक शव मिला। मृतक का नाम 22 वर्षीय अमन अविनाश नागदेवते है। अमन अपने बड़ी भाई के साथ बुआ के पास रहता था। वह शनिवार की सुबह 10 बजे घर से निकला था, तब से उसका कोई पता नहीं था। रविवार दोपहर जरीपटका पुलिस को इटारसी पुलिया परिसर में पटरी के पास युवक का शव पड़ा होने का पता चला। PI संतोष बकाल साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए। अमन की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाएं हाथ पर टैटू गुदा था। इसी के आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। परिसर के लोगों ने अमन का शव होना बताया। उसके भाई को बुलाने पर शव की पहचान हो गई। बुल्ढाणा जिले के खामगांव के एक 33 वर्षीय व्यक्ति नीलेश दुर्ग का स्टॉल वर्तमान में एक अभिनव चाय स्टॉल के रूप में सुर्खियों में है। नीलेश दुर्ग 7 साल से फोटोग्राफी के बिजनेस में है और फिर उन्होंने अपना चाय का बिजनेस शुरू किया। शहर में गुड़ की चाय के साथ अलग अलग फ्लेवर्स की चाय की दुकानें हैं, इसीलिए उन्होंने कांच मिट्टी या प्लास्टिक के कप का उपयोग करने के बजाय बिस्कुट के आटे जैसी सामग्री से बनी हुई कप में चाय बेचना शुरू कर दिया ताकि लोग उसे पी सके और खा भी सके। उन्होंने यह पहला अभिनव प्रयोग न केवल शहर में बल्कि जिले में भी किया और यह सफल भी रहा। चाय हम सभी के लिए एक अंतरंग विषय है, लेकिन अगर आप इस चाय को पीने के बाद चाय के साथ कप भी खाने को मिले तो आपको विश्वास नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा के दौर में टिके रहने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए बुल्ढाणा के एक युवक ने एक अजीब जंग लड़ी है और इसे ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। युवा से लेकर बूढ़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, हर कोई चाय का शौकीन होता है। कुछ लोगों को चाय की लत भी लग जाती है। हाल के दिनों में कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन, कप और प्लास्टिक के कप पुराने हो गए हैं, जो अक्सर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो सभी कारकों पर विचार करते हुए नीलेश दुर्ग ने कुछ अलग करना चाहा। उपभोक्ताओं को अब बेहतर विकल्प भी मिल रहे हैं। कई युवा विभिन्न व्यवसायों की विफलता से निराश प्रतीत होते हैं, लेकिन जो जानते हैं कि दुनिया में क्या बेचना फायदेमंद होगा, वही लोग सफल होते हैं। मैं मेरे पापा के साथ यहाँ पे चाय पीने आई थी तो मैंने बोर्ड पे देखा कि यहाँ पे खाने वाला कप है और पापा ने एक कप चाय का कप बुलाया और पापा और मैंने चाय पी। पापा बोले कि चाय पी कप खाओ, तो मुझे कप खाना अजीब लगा। फिर मैंने खा के देखा तो मुझे कप बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ पे कप खाने आओ और चाय पियो। नमस्कार, माझा नाव निलेश सारंगर दुर्गे, राहणार खामगाव तालुका, खामगाव जिल्हा बुलढाणा। आपल्या खामगाव शहरामध्ये पहिल्यांदाच असं चायची माझी माणुसकी हॉटेल म्हणून चायची दुकान आहे। मी हॉटेल चालू केल्यानंतर माझ्या मित्राने श्री अभिजित चव्हाण यांनी मला सांगितले की पर्यावरणपूरक असं काहीतरी वेगळं चालेल का, चहासोबत चहा प्या आणि कप खा, तर वेगळी काहीतरी कल्पना वाटली। त्याने सुचवल्यानंतर मलाही चांगलं वाटलं की बा ट्राय करून बघू आपण की प्लॅस्टिक पर्यावरणपूरक आहे तर थोडं वेगळं काहीतरी आपल्या गावामध्ये येऊ राहिलं तर ठीक आहे म्हटलं करून बघू। तर आणल्यानंतर 8 दिवसानंतरच असा रिस्पॉन्स भेटला की बढिया एकदम, कारण लोकांना आता ते प्लॅस्टिक आणि काचाचे कप वगैरे सोडून याच्यावर जास्त भर देऊ राहिले। माझी गिरायकी पण खूप वाढली। पहिले माझे जो चहा जात नव्हता, आता हे लहान मुलं कपल वगैरे येतात खातात, खूप छान रिस्पॉन्स भेटत आहे आणि सगळे चांगलं वाह करत आहे। तुम्ही पण या, अवश्य भेट द्या। माणुसकी हॉटेल आपला जलम रोड महाले हॉस्पिटल समोर आहे। कप आहे, आपण जे पहिले कप प्लॅस्टिकचे वापरत होतो ते लोक फेकून देत होते रस्त्यावरती, ते रस्त्यावरती कप फेकल्यानंतर जनावरं येत होते, जनावरं ते कप खात होते, त्याच्यामुळे दगावत होते, काही जनावरं दगावलेली आहे। त्याच्यामुळे आपण हा जो कप आणलेला आहे हा असा आहे की म्हणजे चहा पिल्यानंतर डायरेक्ट खाऊन घ्यावा लागतो, म्हणजे फेकण्याचं काम नाही आहे। तर तुम्ही अवश्य भेट द्या एकदा। नमस्कार, धन्यवाद।
सेजंत आहे, माझं नाव पूनम इंगडे आहे आणि मी एलआयसी मी माझ्या क्लायंटकडे जात असताना जलम रोडकडे मला माणुसकी हॉटेल दिसली आणि मला तिथे चहा घ्यावासं वाटलं आणि तिथे मी पाहिलं की नवीन कॉन्सेप्ट दिसली मला. तर चहामध्ये कप नसताना एक पर्यावरणला वाचवण्यासाठी एक चांगल्या पद्धतीने इथे चहा दिला जातो आहे आणि त्याची टेस्ट पण खूप चांगली आहे, छान आहे. तर तुम्ही पण एकदा करा. बीकेवी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. देखते रहिए बीकेवी न्यूज. नमस्कार.